ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है दरोगा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो तुम्हें तुम्हारा बता दूंगा दरोगा जी। तुम हमसे क्या कहो, उस दिन मैं चौकी में तुम्हारे पास आया था, तुम लोग क्या कहो, राजा हूँ, राजा तुम्हारी राजागिरी 4 दिन के अंदर। यूपी पुलिस ने साफ कह दिया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक बार देख लीजिए इन तस्वीरों को। यूपी के फरुखाबाद में दरोगा से अभद्रता करने वाले खनन माफिया और उनके साथियों ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ लोग दरोगा से बदतमीजी करते नजर आए। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की जिला इकाई के उपाध्यक्ष भी शामिल थे इसमें। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर इनाम की घोषणा कर दी। बुलडोजर कार्रवाई के डर से अब आरोपियों ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल फरुखाबाद में सिपाहियों संग गश्त पर निकले दरोगा के साथ अभद्रता का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें कुछ लोग रात के अंधेरे में ही दरोगा की गाड़ी देखकर खड़े दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक शख्स पुलिस वालों को भूत बनाने की धमकी देता नजर आ रहा। मुलायम सिंह की सरकार नहीं है दरोगा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भूत मैं तुम्हारा बता दूंगा दरोगा जी। इस घटना के बाद दरोगा सुरजीत सिंह ने भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अमित ठाकुर के साथ आशीष, मनु, अंशुल के खिलाफ गाली गलौज, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में कुल 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। इन 4 के अलावा बाकी लोग अज्ञात थे। 4 आरोपियों के ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। जिले के एसपी ने खनन माफिया आशीष सिंह उर्फ सचिन पर 25,000 और मनु अंशुल अमित पर 15,000 रुपए की इनाम की घोषणा की। इस बीच खबर मीडिया में चलने के बाद आरोपी अमित ठाकुर को जिला भाजपा इकाई ने पार्टी से निकाल दिया। अमित पर आरोप है कि अनुशासनहीनता और पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम किया है। आरोपियों का अब जो वीडियो सामने आया है, उसमें 2 युवक जो अपना नाम मनु और अंशुल बता रहे हैं, वो तड़के थाना कादिर गेट के सामने पहुंचकर सरेंडर करने की बात करें। उन्होंने खुद ही वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल कर दिया। इसमें मनु कहता है कि हम सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए पुलिस से गुजारिश है कि हमारे साथ गलत व्यवहार न किया जाए। साथ ही वो अपने किए की माफी भी मांगते नजर आ रहे हैं। साथ में मेरा साला अंशुल मिश्रा, आज हम लोग कादरी गेट सुबह 5:30 बजे 28 तारीख को आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अतः हमें प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे साथ कोई भी गलत दुर्व्यवहार ना हो और जो भी हो सत्य के साथ समझे। फरुखाबाद से फिरोज खान की रिपोर्ट, यूपी तक। राजा हूँ, राजा हमारी राजागिरी 4 दिन के अंदर।